बिशप हिंदू परिषद द्वारा सुंदरनगर के सुखदेव वाटिका में राम मंदिर निर्माण में कार सेवकों के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने बताया कि सुंदरनगर जिला से अयोध्या के लिए 1990 और 92 में 15 के तकरीबन लोग वहां पर गए थे और उन्होंने जहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जाना था बाबरी मस्जिद ढांचे को खत्म करने में अपना अहम योगदान दिया है। और आज जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के दौरान भूमि पूजन करके इस कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं, इस कार्य में कार सेवकों का बहुत योगदान है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए देश और प्रदेश की जनता को बधाई दी है और कहा कि ये 500 साल बाद देशवासियों का सपना पूरा होने जा रहा है। हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश ने कुछ कार्यक्रम जो आज के एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है उस दिन को मनाने के लिए समाज के अंदर प्रयास किया है। हम सब का सौभाग्य है कि 492 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपने स्थान पर विराजमान होने के लिए जिस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका शुभारंभ आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन यह दिन हमें जिनके पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ, ऐसे कुछ कार सेवक जिन्होंने 1990 में और 1992 के अंदर वहाँ पर जाकर के कार सेवा की, और 6 दिसंबर 1992 को वह जो विवादित ढांचा था जिसको लोग बाबरी ढांचा कहते थे उस ढांचे को वहाँ पर ख़त्म कर दिया, उसका नामो निशान नहीं रहा, जिसके कारण आगे फिर सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उस मंदिर निर्माण के लिए वह होती चली गई और हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी ये फैसला दिया। पर हम विचार करें कि मान लो अगर वो ढांचा वहाँ पर होता तो शायद उच्चतम न्यायालय को भी निर्णय देने के लिए थोड़ा मुश्किल होती। तो इसलिए वह जो कार सेवक हैं आज उनका स्मरण करते हुए हमने यहाँ पर सुंदरनगर के अंदर यहाँ से जो कार सेवा के अंदर लोग गए थे, प्रभु की कृपा है बहुत से लोग तो इन 28-30 वर्षों के अंदर वो कार सेवक रहे नहीं, प्रभु के धाम में जा चुके हैं। लेकिन जो यहाँ पर है जब उनसे बात की तो उनको बड़ा अच्छा लगा, यह बड़ा भावनापूर्ण बड़ा भावुक दृश्य आज था। तो आज हमने लगभग 15 कार स्वयंसेवक जो सुंदरनगर जिला के थे सुंदरनगर से गए थे यहाँ पर कार सेवा करने के लिए 1990 में और 1992 के अंदर, उनको यहाँ पर सम्मानित किया। हमारे केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के पूज्य संत स्वामी सोहम दास जी, उन्होंने उन्हें सम्मानित करके एक अच्छा संदेश समाज को दिया है।